सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी यूको बैंक को लेकर। यूको बैंक को लेकर एक खबर आते हुए नज़र आई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी कंपनी ने क्वार्टर फर्स्ट रिलेटेड अपडेट जारी कर दी है। साथ में आप लोगों ने एक चीज़ और नोट किया होगा, अभी कुछ टाइम पहले यूको बैंक को लेकर बड़ी खबर आई थी मर्जर को लेकर। चार बैंक थे, ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेकेंड था यूको बैंक, ठीक। उसके बाद आप लोग देखो कि अभी इंडियन बैंक और एक बैंक और था जिसके मर्जर को लेकर अपडेट आई थी, भी आपस में मर्ज होने वाले हैं। उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को नहीं देखी आप लोगों ने तो कमेंट कर देना, उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए भी अब देख लेते हैं आखिरकार यूको बैंक में क्या खबर आई है और कल स्टॉक में कैसा एक्शन रहेगा। क्या स्टॉक में तेज़ी बनेगी या फिर नहीं? काफ़ी टाइम हो गया स्टॉक जो है 50 के आसपास ही, 54 रुपये के आसपास जो भी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। हालांकि बाउंड वीक लो से तो ये 100% के आसपास उछला हुआ अभी के टाइम भी अगर देखा जाए, लेकिन स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। 70 रुपये इसका बाउंड वीक हाई है, वहाँ से स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट है। तो चलिए देख लेते भी आखिरकार यहाँ से होल्ड करके चलना ठीक है या फिर स्टॉक में और गिरावट बन सकती है। तो देख सकते हो अभी कंपनी ने आज मार्केट क्लोजिंग के बाद ये नोटिस पब्लिश किया है। BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर जाकर आप लोग इसका वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो कंपनी ने यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्लोजर दिया है अभी, और डिस्क्लोजर के माध्यम से कंपनी ने क्या बताया यहाँ पर देखो। कंपनी ने अपने जो लोन बुक वगैरह है, जो बिजनेस अपडेट है वो कंपनी ने यहाँ पर दी है भाई। तो बिजनेस अपडेट कैसे रही है, ऑल फिगर इन रुपीज लाख करोड़ में है, ठीक है, ऑल फिगर। तो यहाँ पर देखो कि अगर मैं बात करूँ टोटल बिजनेस की, तो टोटल बिजनेस कैसा रहा है, टोटल बिजनेस इसका है जो वो लगभग 4.14 लाख करोड़ की रही है, जो इस क्वार्टर के दौरान हमें देखने को मिल रहा है, सॉरी भी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में जो था, ठीक है। और इस क्वार्टर में आप लोग देखोगे जो हमें देखने को मिला है वह लगभग 4.62 लाख करोड़, जो कि आप लोग देखोगे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 11.5% की ग्रोथ आते हुए नज़र आई है। वहीं आप लोग देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में क्या था, प्रीवियस क्वार्टर में लगभग 4.50 लाख करोड़, वहाँ पर भी हमें जो ना भी इसके अंदर जंप आते हुए नजर आए। तो ओवरऑल जंप काफ़ी अच्छा टोटल बिजनेस में। टोटल एडवांसेस आप लोग देखोगे भी इस क्वार्टर के दौरान और जो प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर है उसके दौरान, तो इस प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या था, 1.64 लाख करोड़, ठीक। और वहीं अगर बात की जाए प्रीवियस क्वार्टर में, प्रीवियस क्वार्टर में था 1.87 लाख करोड़, और अगर बात करें इस क्वार्टर की तो इस क्वार्टर में 1.94 करोड़ हमें देखने को मिला है, जो कि लगभग 18% के करीब ग्रोथ आते हुए नजर आई है इसके अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल एडवांसेस में। उसके बाद है टोटल डिपॉजिट, इस क्वार्टर की बात करें और प्रीवियस क्वार्टरों से कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या था, लगभग 2.50 करोड़, जो कि इस क्वार्टर में हो गया है 2.68 करोड़, जो आपको लगभग 7.39% के आसपास ग्रोथ दिखाई दे रही है। और वहीं अगर बात करें प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करके तो वहां पर 2.63 करोड़ के एडवांसेस टोटल डिपॉजिट्स थे, तो डिपॉजिट में भी हमें जो ना भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। उसके बाद टोटल जो डोमेस्टिक एंड एडवांसेस है 1.40 करोड़, और जो प्रीवियस क्वार्टर में था वो लगभग 1.62 करोड़, और इस क्वार्टर में 1.67 करोड़, यानी कि यहाँ पर भी आप लोग देखोगे 19.33% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और कासा डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर भी आप लोग देखोगे भी प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर हमें 6.56% की ग्रोथ देखने को मिली है। कासा रेशो की अगर बात की जाए, कासा रेशो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 38.10% हमें देखने को 38.10 से आप लोग देखोगे इंक्रीज होकर हमें देखने को मिल रहा है 38.62 पर, और जो प्रीवियस में था भी लगभग, यानी प्रीवियस क्वार्टर से तो आपको ये डाउन दिखाई दे रहे हैं लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ठीक ग्रोथ है। तो ये टोटल अपडेट्स है, बिजनेस अपडेट काफ़ी शानदार है अभी, ठीक है, काफ़ी अच्छे आंकड़े आए हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कल के दिन स्टॉक के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं चार्ट इसका। तो यहाँ पर आप लोगों देखोगे स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई जो कि 70 रुपये के आसपास है, वहाँ से अभी के टाइम आपको जो ना भी 23% के आसपास गिरावट में दिखाई दे रहा है जो करंट प्राइस है। और यहाँ से जो स्टॉक है वो एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर आते हुए नजर आए, अप ट्रेंड भी स्टॉक में बना हुआ नीचे से काफ़ी टाइम पहले जो था,
और ऊपर से डाउन ट्रेंड भी स्टॉक में हमें बरकरार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो ना भी स्टॉक एक ट्रेंगल फॉर्म का जो ना भी आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर, ठीक है, इस पैटर्न में स्टॉक आया हुआ है। और यहाँ से अगर ये स्टॉक ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो इसके चांस रहेंगे ऊपर में 62, और इसको ब्रेक करके सस्टेन किया तो 70 के मूव स्टॉक में आ सकते हैं। बट नीचे में अगर ये नीचे में इसने ट्रेंगल पैटर्न को काटा तो नीचे में कहाँ तक जा सकता है ये, चलिए आपको दिखाते हैं। तो नीचे में अगर ये स्टॉक इसको काटता है तो सपोर्ट रहेगा अभी 50 का, अभी टाइम 50 का सपोर्ट है इसका, एक स्ट्रांगली सपोर्ट जो ना भी स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर क्रिएट किया हुआ है 50 रुपये के आसपास। तो ये सपोर्ट आई थिंक करंट प्राइस के हिसाब से ठीक है, और अगर इसको भी नीचे में इसने काटा तो फिर आप लोग देखोगे ये शेयर हमें सपोर्ट लेते हुए नज़र आ सकता तकरीबन 45 के आसपास। तो ये दो सपोर्ट अभी 50 और 45, इस सपोर्ट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, और ऊपर में चांस इसके रहेंगे 62 और 70 रुपये के मूव आने के। तो स्टॉक अच्छी खासी गिरावट में है, और यहाँ से अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे तो 50 का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।